रेट है 5%, तो उसी हिसाब से आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। अब हम लोग वापस आते हैं। अब क्या है कि अब डिस्कस करना आसान हो गया हम लोग के। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, देखिए क्या कहता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स नेमली, ये अगर आप उधार बेचते हैं या कैश में बेचते हैं, ये एडवांस है। बी पॉइंट, बी क्या है, एडवांस है। तो पहले ये पढ़ते हैं, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, वर्ड देखिए विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, वो सेक्शन 31 में लिखा हुआ, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 का हमने लिखा है, वैसे तो बहुत सारे सबसेक्शंस हैं लेकिन पहले 1 देखते हैं। ही इज रिक्वायर्ड टू इश्यू टैक्स इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है उसको, बिफोर और द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर व्हाट, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, क्योंकि ये हम लोग ये कर रहे हैं आपके साथ। अगर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर स्टॉक ट्रांसफर है विद इन सेम स्टेट सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, तब तो डिलीवरी चालान करेगा, तब टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई तभी आएगा व्हेन द रिमूवल ऑफ गुड्स इज फॉर सप्लाई, दैट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। यहां लिखा हुआ द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और एज द केस में बी और द पेमेंट। सप्लाई इंक्लूड स्टॉक ट्रांसफर ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, इसीलिए मैं बार बार जब मैं बोल रहा हूं आपको सेम स्टेट सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज स्टॉक ट्रांसफर, दैट इज नॉट सप्लाई। ठीक है, फिर अब यह एडवांस मिल गया, तो द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू द सप्लाई, 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, रजिस्टर्ड पर्सन शैल इश्यू रिसीट वाउचर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट। यही रिसीट वाउचर से हमने बता दिया, रेट भी बता दी और इंटरेस्टेड सप्लाई भी मान लिया जाएगा अगर एडवांस की लाइबिलिटी या प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रही है एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस। दूसरा, हमने आपको यह भी बताया कि एडवांस कम पेमेंट कब मानेंगे उसको, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट शैल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस दिन एंटर करेगा, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज, यानी कि सप्लायर्स बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो हमने बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप तभी एंटर कीजिए जब बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, नहीं तो एज पर जिनेश जी रिकंसिलेशन का काम बढ़ जाएगा और जीएसटी में लायबिलिटी पहले आ सकती है। ठीक है, अब ये एडवांस के लिए इन्होंने सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेगुलर डीलर इफ एग्रीगेट टर्नओवर डू नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और नॉट लाइकली टू एक्सीड इन 1.5 करोड़ इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। ये लेके आए थे 13 अक्टूबर 2017 को। इसके बाद फिर हो हल्ला मचा, फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते सबके लिए ले आए एक्सीड्स 1.5 करोड़ भी 15 नवंबर 2017। तो आज के डेट में रेगुलर डीलर को एडवांस अगेंस्ट गुड्स के ऊपर कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, रेगुलर डीलर, लेकिन कंपोजिशन वालों के लिए देने की जरूरत है। क्लियर है? उसके बाद मान लीजिए आपकी इनवॉइस वैल्यू है 3,450 रुपये, 3,450 रुपये, आपका रिसिपियंट 4,000 रुपया देके चला जाता है, बोला बाद में एडजस्ट कर लेंगे 4,000 रख लीजिए, ऐसा होता है? तो बोला अगर ऐसा एडवांस अप टू ₹1,000 है तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट वेर द सप्लायर ऑफ टैक्सीबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1,000 एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट शैल एट द ऑप्शन ऑफ द सेट सप्लायर, याद रखिएगा ऑप्शन ऑफ द सेट, विद द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट। तो जितना एक्सेस अमाउंट का
1,000 तक है, तो जिस दिन वो इनवॉइस इश्यू करेगा वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? दूसरी बात, अगर ये जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको 2 दिन बाद वापस कर देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो वो कंसिडरेशन ही नहीं है। हमने पढ़ा भी था कि गलती से देकर चला गया, और गलती से रख लोगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा, ये आप याद है आपको हमने बताया था। या तो वापस कर दीजिए, काम खत्म। आया? नाउ व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट इन फॉलोइंग केस, जो हमने एग्जांपल कर भी लिया। 18 अगस्त इज द डेट ऑफ चेक, 17 सितंबर इज द रिसीट ऑफ चेक, प्रेजेंटेशन 1 अक्टूबर को, क्लियरेंस हुआ 3 अक्टूबर को, आपने अपने बुक में 10 अक्टूबर को क्रेडिट कर लिया, तो व्हाट विल बी द डेट ऑफ पेमेंट कब मानेंगे? विच एवर डेट इज अर्लियर, यानी कि 3 अक्टूबर। इन दोनों, ये दो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। फिर क्लियरेंस हुआ 23 नवंबर को, लेकिन आपने एंट्री की 20 सितंबर को अपने बुक्स में, तो 20 सितंबर विल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ पेमेंट। ये क्लियर है आपको? हाँ या ना? तो आइडिया तो यही है, आइडिया तो यही है कि जिस दिन क्लियर हो उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी चाहिए। लेकिन आपका ओपिनियन कुछ और है तो मुझे बता दीजिए, कोई और कारण से आप पहले एंटर कर लेते होंगे। जिनेश जी, परिमल जी, राजेश जी, राजू जी, आप लोग बताइए, आप लोग तो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। चलिए, तो ये आंसर है। मैं एक काम करता हूं, ये जो लाइन लिखी हुई है, इज रिक्वायर्ड टू इश्यू टैक्स इनवॉइस 31 सबसेक्शन 1 में। दूसरी बात, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है देन व्हेन इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। फिक्स इंटरवल एज पर एग्रीमेंट, करेक्ट है। जैसे आपके यहाँ पानी का बोतल सप्लाई कर रहा है, वो डेली बेसिस पे पानी का बोतल लेके आता है पूरे अप्रैल महीने में, और आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, चेक बाउंस पर जीएसटी एंड अदर चार्जेस लगता है, इसलिए चेक प्रेजेंट करते ही अकाउंट में लिख लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पूरे अप्रैल में पानी सप्लाई किया, तो रिमूवल ऑफ गुड्स कब हो रहा है? 1 अप्रैल को भी हो रहा है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7, 8, डेली बेसिस पे हो रहा है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्रीड पेमेंट डेट क्या है? 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल, या अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट में। तो यहां पर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? फर्स्ट में हो जाएगा, अगर फर्स्ट में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो। ये डेली बेसिस पर आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं इसको पढ़ूं, द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस विद रेस्पेक्ट टू द सप्लाई, तो सप्लाई अगर कंटिन्यूअस है तो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद और एक है, इफ द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इफ गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस मतलब एक आपका एम्प्लॉय है मिस्टर ए, जो गुड्स लेके चलता है और दिल्ली में है, कर्नाटका गया, वहीं पर पसंद आ गया, इसको पसंद आ गया, खरीद लिया, तो जिस दिन खरीदा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन ये सारा काम 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 6 महीने तक ये गुड्स वापस नहीं आता है तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है?
टाइम ऑफ इश्योरेंस ऑफ इनवॉइस 31 सबसेक्शन 1, फिर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स 31 सबसेक्शन 4, अप्रूवल बेसिस 31 सबसेक्शन 7, 31 सबसेक्शन 4 देख लेते हैं एक बार। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड। तो दिस इज द ड्यू डेट, ठीक है। और व्हाट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, हम वो बाद में करेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको कंटिन्यूअसली और रिकरेंट। इसके बाद 31 सबसेक्शन 7 था, इश्यू ऑफ इनवॉइस वेयर गिफ्ट्स आर सेंट फॉर अप्रूवल, तो और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो हमने कहा 6 महीने से पहले बिक जाए तो वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, 6 महीने के बाद बिक जाए तो दैट विल बी द डेट ऑफ रिमूवल। 6 महीने से बाद बिके तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ विल बी द डेट ऑफ रिमूवल। वापस आए, अब अगर इस सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ता हूं, द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, तो आपको 3 बातें सोचनी है, एक कि रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, दूसरा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, और तीसरा गुड्स रिमूव ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। तो उसका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए। मिस्टर एक्स इज ए कंपोजिशन डीलर, व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन फॉलोइंग केसेस, बताइए। सबसे पहले कंपोजिशन डीलर को एडवांस के ऊपर, एडवांस अगेंस्ट गुड्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे हम लोग। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई हो जाएगा जिस दिन आप रिमूव करेंगे, हाँ या ना। तो इसीलिए हमने ऑब्लिक करके ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई लिख दिया। फिर एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, आपने एक्चुअली किस डेट को इश्यू किया, आपने पेमेंट कब रिसीव किया, और फिर टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर आंसर लिखा हुआ है। 19 सितंबर 1 लाख का आपने बिल ऑफ सप्लाई गुड्स रिमूव किया था, जिसका बिल आपने एक दिन पहले ही एक्चुअली में काट दिया था बिल ऑफ सप्लाई 18 सितंबर, कितने रुपए का, 1 लाख का। लेकिन इसका पेमेंट आपको 20 सितंबर को मिला, कितना, 60,000। मुझे एक बात बताइए आप, क्या एडवांस हुआ या नहीं हुआ इस केस में, केस वन में एडवांस नहीं आ रहा आपको, नहीं नजर आ रहा, तो ये डेट तो आएगी नहीं। तो ये डेट और ये डेट, विच एवर डेट इज अर्लियर, कौन सी डेट आएगी टाइम ऑफ सप्लाई, किस महीने की, विच एवर डेट इज अर्लियर, तो 18 सितंबर आएगी, बेसिकली सितंबर मंथ, बेसिकली सितंबर मंथ। कितने रुपए का आएगा, क्योंकि उसको मिला सिर्फ 60,000 ही है, 1 लाख का आएगा या 60,000 का आएगा, 1 लाख का। पैसा मिले ना मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंपोजिशन डीलर है, क्या अपने बिल में टैक्स शो करेगा, नहीं करेगा, ये 1%, 5% या 6% के हिसाब से टैक्स जमा करवाएगा। ये केस टू में देखिए, 19 सितंबर 1 लाख, 20 सितंबर 1 लाख, 20 सितंबर को 20,000 आ गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 19 सितंबर ही होगा, कितना वैल्यू, 1 लाख। यहां देखिए 19 सितंबर 1 लाख, 19 सितंबर को बिल काटा, लेकिन उसको पैसा 16 अगस्त को मिल गया था 20,000। नाउ व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई,
what will be the time of supply? 16th अगस्त 20,000 वाला, इस पे रेट क्या लगाएगा वो? इस पे रेट क्या लगाएगा? मान लीजिए एक ऐसा एडवांस है जिसका नहीं पता कि वो कौन सा, इज इट पॉसिबल? कंपोजिशन डीलर के लिए क्या पॉसिबल है कि ये एडवांस ऐसा है जिसका रेट नहीं पता लग सकता? कहिए, कंपोजिशन डीलर या तो एक पे है या पांच पे है या छह पे है, उसको तो, उसके पास चाहे गुड्स के रेट 5, 18, 28 कुछ भी हो, उसको देना तो 1% ही है, तो उसको तो पता है। तो एडवांस पे जब भी देगा वो जिस रेट में वो उसने रजिस्ट्रेशन करवाया उस रेट पे जमा करवाएगा, काम खत्म। अरे आया, चलिए फोर्थ, 1 लाख इनवॉइस वो इशू ही नहीं करता, गुड्स रिमूव कर दिया, इनवॉइस इशू नहीं किया, पेमेंट नहीं मिला, टाइम ऑफ सप्लाई? नाइनटीन सितंबर। ये पकड़ा कैसे जाएगा? ये पकड़ा कैसे जाएगा जो गुड्स रिमूव कर रहा है विदाउट इश्यू ऑफ बिल ऑफ सप्लाई? पकड़ा कैसे जाएगा? ये पेमेंट ही नहीं मिला, बैंक एंट्री कहां से आएगी? अपने रिश्तेदारों को दे दिया, मतलब पेमेंट छोड़ दो, घुमा के ले आना आप मुझे। स्टॉक रजिस्टर था इसका, मतलब डिपार्टमेंट को इसके यहां जाना पड़ेगा तभी पता लगेगा। डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में बैठकर तो कभी नहीं पता लगा पाएगा, और क्या तरीका है पता लगाने का? और क्या तरीका है? ई वे बिल, करेक्ट, ई वे बिल से पता लग जाएगा। और ई वे बिल से नहीं पता लगा तो ये मेरी दुकान, मेरे से सटी हुई दुकान ये रही, यहीं पर ट्रांसफर कर दिया। यहां भी ई वे बिल की तो जरूरत है ही, कि नहीं तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन दुकान सटी हुई थी, उठा के ले गया। और खैर ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने कोई व्हीकल यूज नहीं किया, व्हीकल यूज करने पे ई वे बिल की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन ई वे बिल से भी नहीं मैं पकड़ा गया। तब ये एक तो श्योर शॉर्ट तरीका है, इसके यहीं पहुंच जाओ, पकड़ा जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर इसने B2B सप्लाई किया है, B2B सप्लाई किया है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली परचेज मोर देन सेल, ये सबसे पकड़ा जाएगा। लेकिन B2B सप्लाई करने में जो रिसिपियंट है वो बताएगा मैंने कंपोजिशन से खरीदा है। बताते हैं ना GSTR 1 में है, होता है या नहीं होता, या 3B में है या नहीं है, यहाँ पर आपको इनवर्ट सप्लाई किससे आप खरीद रहे हैं उसके भी डिटेल देनी पड़ती है। रिवर्स चार्ज में है तब तो इनवर्ट सप्लाई की डिटेल देनी पड़ती है, बट कंसोलिडेटेड, करेक्ट, कंसोलिडेटेड, तब तो फिर रिसिपिएंट से ही हम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो दो तरीका, या तो सप्लायर के पास पहुंच जाए या रिसिपिएंट के पास पहुंच जाए। रिसिपिएंट को कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसने बिल ऑफ सप्लाई इश्यू ही नहीं किया, तो यहां पर तो सिर्फ इसी के यहां पहुंचने से ही मिलेगा। अब देखिए फिफ्थ केस देखते हैं, नॉट रिमूव्ड लेकिन बिल ऑफ सप्लाई इशू किया, नो पेमेंट, क्या उसको GST देना पड़ेगा? तो अजीब सा सिचुएशन है कि बिल ऑफ सप्लाई, मतलब बिल ऑफ सप्लाई इनवॉइस काटना ही, GST देना पड़ेगा, करेक्ट, तो इसीलिए काटिए मत। नॉट रिमूव, नॉट इश्यूड लेकिन एडवांस मिला, GST देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा।
इन थर्ड केस सपोज मिस्टर एक्स इज ए रेगुलर डीलर, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इस केस में? अगर ये रेगुलर डीलर होता तो एडवांस एप्लीकेबल नहीं होता, तब 19 सितंबर 1 लाख आया। अब आगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज।